हेलो स्टूडेंट्स, सो नाउ वी आर डूइंग द सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स विच इज़ अ नेम्ड रिएक्शन विच इज विलियमसन सिंथेसिस। दिस रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आपकी नेम्ड रिएक्शन है और साथ ही साथ आपकी क्या है ईथर की प्रिपरेशन की रिएक्शन है देखो जो ईथर की प्रिपरेशन की रिएक्शन है देर आर ओनली टू मैथड ऑफ प्रिपरेशन फर्स्ट था आपका जिससे पहले कर चुके हो क्या था डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल बट उसमें क्या बात थी डेट ओनली स्मिट्रिकल ईथर्स कैन बी फॉर्म फ्राम दैट रियाक्शन आपको पता था अनस्मेट्रिकल नहीं बना सकते थे अब ये ऐसी रिएक्शन है जिससे कि वी कैन फॉर्म बोथ स्मेट्रिकल एज वेल एज अन स्मेट्रिकल ईथर्स तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है लेबोर्ट्री मैथड होता है ये एक लेबोर्ट्री मैथड होता है जिससे कि दोनों ही आप प्रिपेयर कर सकते हो सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ इन दिस रिएक्शन वॉट हैपन्स कि आपका एक अल्काइल हलाइड आप लोगे ओके okay? क्या लोगे अल्काइल हलाइड क्या होता है आर के साथ अगर एक्स हो आपका दैट इज एल्काइल एल्काइल हलाइड आप लोगे और उसके रिएक्शन अगर आप करते हो उसके रिएक्शन किसके साथ करते हो अगर आप सोडियम सोडियम अल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हो अब ये सोडियम अल्कोक्साइड है क्यों बिकॉज यहाँ सोडियम है इस पर यानी पॉजिटिव आ जाएगा बाकी ओ आर जो पार्ट बचा उस पर आपका नेगेटिव आ जाएगा दिस इज योर सोडियम सोडियम अल्कोक्साइड बिकॉज यहाँ पे एल्काइल है और ऑक्सीजन है तो आप लिखोगे अल्कोक्साइड अगर इसकी रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करवाई जाती है तो आपका क्या होता है बेसिकली यहाँ से क्या निकलेगा सोडियम देखो रिएक्शन लिखने का तरीका क्या है आगे हम मैकेनिज्म अभी करेंगे तो यहाँ पर देखो कि सोडियम और एक्स यहाँ से इलिमिनेट हो जाएगा मतलब निकल जाएगा एन ए और एक्स यहाँ से निकल जाएगा और जो आपका ये आर और आर है ये आपस में जॉइन कर देगा सपोज यहाँ पर जो आर ग्रुप है वो अलग है और यहाँ पर आर ग्रुप सपोज अलग है मैंने यहाँ पर आर डैश ले लिया तो आपका क्या बनेगा ये वाला आर आर एंड उसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन और यहाँ पर उसके बाद आर डैश लग जाएगा नाउ दिस इज़ वर्ड दिस इज़ योर ईथर दिस इज़ वर्ड दिस इज़ योर ईथर और देखा जाए तो ये आपका क्या बन गया अगर यहाँ पर अलग अलग डिफरेंट दो ग्रुप्स हो गए तो ये अनसमेट्रिकल ईथर भी बन सकता है यहाँ पर जो कि डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में नहीं बनता था इसीलिए ये मैथड ऑफ प्रिपरेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए ओके और साथ में ये लिख सकते हो कि एन एक्स जो है वो बाहर को निकल गया सो so बेसिकली देखो विलियमसन सिंथेसिस यही होती है जिसमें क्या होता है कि आपका जो अल्काइल हलाइड है आर एक्स उसकी रिएक्शन एन ए ओ आर के साथ करवाई जाती है अब ये आर और आर डैश है जो ये आर और आर डैश है दैट कैन बी सेम दैट कैन बी डिफरेंट अगर ये दोनों आर एंड आर डैश सेम हो तो आपको एक सिमेट्रिकल ईथर मिलता है अगर आपके पास ये आर और आर डैश मतलब यहाँ आर नहीं होता सेम सेम ग्रुप होते आर आर तो ये आपको क्या देता सॉरी uh, आर डैश होता तो आपको ये अनसिमेट्रिकल ईथर देता जैसे यहाँ पे अनसिमेट्रिकल ईथर है ओके नाउ अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम एल्कोक्साइड टू फॉर्म ईथर्स या आपको पता चल गया कि यहाँ पे ऐसे ऐसी चीज़ हो रही है विलियमसन सिंथेसिस में अब हम बात करते हैं इसके जो फीचर्स है इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके बारे में देखो अब यहाँ पर हमने अल्काइल हेल्ड तो बोल दिया बट यहाँ पर एक कंडीशन होती है कि जो अल्काइल हेलाइड आपका होगा दैट शुड बी लेस स्टेरिकली हिंडर्ड देखो कुछ बच्चे पूछते हैं कि स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होती है देखो स्टेरिक हिंड्रेंस ये होता है जब कोई चीज़ बल्कि हो ना बड़ी सी हो तो वो रिपल्शन अगर पैदा करे रिपल्शन अगर किसी को दे तो उसका मतलब होता है वो स्टारिकली हिंडर्ड है वो हिंड्रेंस प्रोवाइड कर रही है मतलब वो एक तरह का क्या है बैरियर प्रोवाइड कर रही है उसको किसी चीज़ को वो रोक रही है वो होता है स्टारिकल हिंड्रेंस तो आपका यहाँ ये कंडीशन है इस रिएक्शन में विलियमसन सिंथेसिस की दो कंडीशन है आपकी कि फर्स्टली जो आपका ये अल्काइल हेलाइड है दैट शुड बी लेस टेरिकली हिंडर्ड वो स्टेरिकल हिंड्रेंस वहाँ पे बहुत कम होनी चाहिए मतलब जो आर वाला आप ग्रुप लगाओगे दैट शुड बी वेरी लेस स्टेरिकली हिंड तो इसका मतलब जो बेस्ट आपका विलियमसन सिंथिस है वो बेस्ट रिजल्ट किसके लिए देती है वन डिग्री एल्काल हेलाइट के लिए ओके okay, आगे समझ दैट मीन्स प्राइमरी एल्काइल हलाइड गिव बेस्ट रिएक्शन और मेनली आपको यहाँ पे क्या विलियमसन सिंथेसिस में क्या देखने को मिलेगा प्राइमरी एल्काइल हैलाइड ही देखने को मिलेगा बिकॉज़ आपकी लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होनी चाहिए वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट ये आपको याद रखना है सेकंड पॉइंट इसमें क्या है कि ये जो रिएक्शन है ना ये तो भी रिएक्शन है जो मैकेनिज्म हम देखते हैं वो कौन से मैकेनिज्म ये फॉलो करती है ये फॉलो करती है SN2 मैकेनिज्म अब SN2 में क्या होता है कि यहाँ देखो एस एंड टू है बायोमोलिक्यूल न्यूक्लियर सब्सटीट्यूशन न्यूक्लोफिलिक सब्सिट्यूशन अब ये क्या है न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए अब देखो ये आपका सब्सटेट है सब्सटेट यानी जिस पर आपकी रिएक्शन हो रही है और ये है ये होगा रिएजेंट जो कि रिएक्शन को करवा रहा है जो कि लगेगा यहाँ जाकर तो अब मुझे बताओ एन और जो ओ है उसमें आपका न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा न्यूक्लियोफाइल क्या होता है जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं तो यहाँ पर एन ए पॉजिटिव टूटेगा और यहाँ पे क्या है ओ आर नेगेटिव टूटेगा तो ये जो ओ आर नेगेटिव है ना ये ओ आर नेगेटिव आपका क्या है दिस वाला पार्ट दिस ओ आर नेगेटिव है दिस इज योर न्यूक्लियोफाइल तो इसका मतलब आपको ये बात याद रखनी है विलियमसन सिंथेसिस में जो ये आर और ओ नेगेटिव वाला पार्ट है दिस इज योर वर्ल्ड दिस इज़ योर न्यूक्लियोफाइल और ये क्या होता है एल्कोक्साइड आयन ओ आर निगेटिव है तो एल कोकसाइड आने से कहा जाता है और ये न्यूक्लियोफाइल है मतलब ये जाके अब अटैक करेगा इस पर ओके डन नाउ देखो अब हम कुछ एक एग्जाम्पल ले लेते हैं एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें कि जिसमें कि हम सी एच थ्री सपोज ये जो अल्काइल हलाइड है ये वाला अल्काइल हलाइड है वो आप सपोज प्राइमरी ले लो क्योंकि हम कह रहे हैं बेस्ट रिएक्शन कब देगा जब वो आपका प्राइमरी होगा अल्काइल हेलाइड तो प्राइमरी अल्काइल हेलाइड मतलब वन डिग्री अल्काइल हेलाइड तो बेसिक आप कौन सा ले रहे हो ये सी एच थ्री बी आर ये क्या है आपका मिथाइल ब्रोमाइड है मिथाइल ब्रोमाइड आपने ले लिया प्लस उसके बाद आता है आपका सोडियम एल्कोक्साइड तो मैंने यहाँ पर सोडियम तो लिख लिया और ऑक्सीजन भी लिख लिया और सपोज़ यहाँ पर जो आठ डैश है उसकी जगह हम क्या ले लेते हैं सपोज़ उसकी जगह हम ले लेते हैं कार्बन ये वाला थोड़ा बल्की वाला ग्रुप ले लेते हैं यहाँ पर सी एच थ्री एंड सी एच थ्री देखो अब यहाँ पर देखने वाली बात है हमने तो ये कहा था कि विलियमसन सिंथेसिस में दो चीज़ों का ख्याल रखना है कि जो आपका एल्काइल हेल्ड है दैट शुड बी लेस टेरिकली हंडर्ड और दैट मीन्स वो क्या होना चाहिए प्राइमरी होना चाहिए वन डिग्री एल्काइल हेल्ड हमने ये ले लिया ओके अल्काइल हेल्ड हमने ले लिया और दूसरी चीज़ जो आपका ये होगा अब इसमें से ये पॉजिटिव पार्ट होगा ये नेगेटिव पार्ट होगा तो इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल आपका ये वाला है तो देखो चाहे न्यूक्लियोफाइल जितना भी बड़ा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सिर्फ और सिर्फ आपको ये बोला गया है कि यहाँ पर जो अल्काइल हेलाइड होगा दैट शुड बी योर लेस टेरिकली हिंडर्ड आपका लेस टेरिकली हिंडर्ड होना चाहिए वो अल्काइल हेलाइट तो आपका जो सोडियम ये वाला है इसमें क्या होगा यहाँ पर ये नेगेटिव बेशक ये बल्कि है बट दिस शुड बी योर लेस्टेरिकली हिंडर तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर ये बल्कि भी है आपका ये न्यूक्लियोफाइल अब क्या हो जाएगा अगर ये आपका बल्कि है तो आपकी रिएक्शन देखो रिएक्शन कैसे आएगी अब यहाँ से एन तो निकलना है लास्ट में आपका क्या है एन ए बी आर तो आपका निकलना है यहाँ से बट क्या होगा आपको देखो न्यूक्लियोफाइल अटैक कैसे करता है दिस इज योर न्यूक्लियोफाइल यहाँ से क्या है ब्रोमीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है यहाँ से ये यह निकल जाएगा क्योंकि आपको पता है हलोजन गुड लिविंग ग्रुप होते हैं वो ईजीली निकल जाते हैं रिएक्शन में तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा पीछे वाला क्या बचा पीछे वाला डेफिशिएंट हो जाएगा तो ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा जहाँ पर डेफिशिएंट वाला कार्बन होगा तो इस तरह से ये अटैक करता है और आपके रिएक्शन आपको क्या देखने को मिलेगी सी एच थ्री और ऑक्सीजन के साथ अगर वो जुड़ गया तो सी एच थ्री आपका क्या बना यहाँ पर सी एच थ्री एंड यहाँ पर ऑक्सीजन एंड ये पीछे वाला पार्ट पूरा यहाँ पर लग गया सी एच थ्री सी एच थ्री एंड योर सी एच थ्री तो ये आपके पास एक ईथर बना और ये ईथर कैसा बना देखो अनस्पिटिकल ईथर है बिकॉज लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड डिफरेंट ग्रुप से लगे हुए और देखो ये आपने यहाँ से देखा ये जो ईथर है ये आपकी कैसी बन रही है आपकी ऐसी ईथर भी बन रही है जो कि क्या है जो कि ब्रांच्ड है जिनके अंदर ब्रांचिंग है अब यहाँ देखो दिस इज योर ईथर बट इस ईथर में आपके पास क्या है अंदर ब्रांचिंग है तो ऐसी ईथर्स भी इस इस रिएक्शन से बनाई जा सकती है दैट इज़ वाई दिस रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट तो आपको बस ये बात याद रखनी है कि विलियम्स एंड सिंथेसिस बेस्ट रिएक्शन प्राइमरी अल्कल हेलाइट के साथ देते हैं क्योंकि दिस शुड बी लेस लेस्टेरिकली हिंडर्ड बस यही रिएक्शन में है तभी हमने क्या करा इसको तो प्राइमरी रख दिया इसको चाहे जो आपका ये न्यूक्लियोफाइल है ये चाहे बल्कि भी हो तो भी आपका चलेगा ओके सो ईथर कंटेनिंग सब्सटीट्यूटेड अल्काइल ग्रुप्स कैन बी प्रिपेयर्ड सो देखो ईथर्स जो है वो आपके जो सब्सटिट्यूटड अल्काइल ग्रुप्स है यानी कि जो ये अल्काइल चेन है उसमें मतलब ये ब्रांचिंग वाले भी आपको बनते हैं मतलब ब्रांचिंग वाले ईथर्स भी आपके पास फॉर्म होते हैं फ्रॉम दिस मेथड ओके तो देखो कितना इंपॉर्टेंट सा मेथड है और अगर आपको सिमेट्रिकल ईथर बनानी है तो आप क्या करोगे अगर आर आपका सी एच थ्री था तो आप यहाँ पे एन ए ओ सी एच थ्री लिख सकते थे मतलब ये आर वाला ग्रुप भी अगर सेम करोगे तो सेम आपको इथर मिलेगा डिफरेंट हमने आर लिए हैं तो आपको यहाँ पे अनसमेट्रिकल इथर देखने को मिल रहा है नो नेक्स्ट इस यहाँ पर जो रिएक्शन थी वो किससे थी एस एन टू से थी अब बात आती है कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ पर अगर आप हम बार बार बोल रहे हैं कि दिस शुड बी लेस स्टेरिकली हिंडर्ड चलो ऐसे करते हैं कि एक बार इसको स्टेरिकली हिंडर्ड करके देख लेते हैं और देखते हैं कि ऐसा होने पर क्या होता है तो हमने ये जो एल्काइल अल्कालाइट था हमने सोचा उसको हम थ्री डिग्री ले लेते ले 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 हैं ओके हमने सोचा उसे हम लेते हैं थ्री डिग्री और यहाँ पर क्या है सी एच थ्री होता है देखो यहाँ पर सी एच थ्री एंड सी एच थ्री है मैंने क्या किया कन्वीनियंस के लिए सी एच थ्री के एक एच को इस तरह से खोल के लिख दिया क्योंकि आगे आपके जा, आगे आपके पास काम आने वाला है दिस इज योर थ्री डिग्री दिस इज योर वर्ड दिस इज योर थ्री डिग्री एलकाइल हेलाइट एल्काइल हेलाइट और हमने क्या कहा था एलकाइल हेलाइट शुड बी शुड बी वेरी लेस स्टारिकली हिंड बट हमने सोचा जरा करके देखते हैं मना कर रहे हैं तो क्यों मना कर रहे हैं अब यहाँ पर हमने ये बल्कि ले लिया और हम सपोज़ जो आपका एन ए ओ होता है एन ए ओ आर होता है तो सपोज़ हमने ये यह, यहाँ पे छोटा सा ले लिया चलो एक को बड़ा ले लिया तो एक को छोटा लेके देख लेते हैं ओके तो हमने क्या किया कि ओ ओ सी एच थ्री जो यहाँ पर है ये आपको पता है दिस इज़ योर न्यूक्लियोफाइल ओके okay. बट क्या होता है हमने कहा है दिस शुड बी लेस टेरिकली हिंडर्ड बट हमने फिर से यहाँ पे क्या है बल्कि ग्रुप लगा दिया थ्री डिग्री एल्का हेल्ट लगा दिया अब क्या होगी अब आपकी रिएक्शन जो है जो आप पहले कहते थे कि रिएक्शन एस एन टू से होगी और न्यूक्लियोफाइल ये अटैक करेगा बट यहाँ पे क्या होगा एस एन टू रियाक्शन नहीं फॉलो करेगी न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा अब इंस्टेंट क्या होगा आपको पता है ये बेस की तरह भी एक्ट कर सकता है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट कर सकता है अब ये जो होगा यहाँ पर ओ सी एच थ्री नेगेटिव ये यहाँ पे एज अ बेस एक्ट करेगा अब बेस क्या होता है बेस का काम होता है जो एक्सेप्ट करता है एच पॉजिटिव आयन को बेस वही होता है ना एसिड क्या होता है जो एच पॉजिटिव आयन को रिलीज करता है बेस होता है जो एच पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करता है तो ये ऐसा क्यों हुआ देखो ऐसा क्यों हुआ ये बिकेस ये यहाँ पर जो ये बल्कि हैं ये बल्कि ग्रुप है अगर ये आपका ओ सी थ्री नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल भी है और बेस भी देखो न्यूक्लियोफाइल एंड बेस दोनों तरह से कई चीज़ें एक्ट करती है वो डिपेंड करता है कि आपको रिएक्शन क्या करवानी है अब यहाँ पर देखो अगर आपको ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करना होता तो ब्रोमीन यहाँ से जाता और इस कार्बन इस कार्बन पे आपको ये अटैक होना था बट न्यूक्लियो फाइल यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता बिकॉज साथ में आपके बहुत बल, बड़े बड़े बल्कि ग्रुप्स लगे हैं तभी आपका कर कहा जाता है कि अगर रिएक्शन को आपने एस एन टू से करवाना है यानी कि न्यूक्लियो फाइल अगर अटैक करवाना है तो यहाँ पर न्यूक्लियो फाइल के आने की जगह भी तो होनी चाहिए यहाँ देखो सी एच थ्री सी एच थ्री इतने बड़े बड़े ग्रुप है इसमें यहाँ पर बिल्कुल जगह नहीं है इसीलिए लिए ये न्यूक्लियो फाइल एक्ट करना यहाँ पे इस केस में बंद कर देता है तो ये एज अ बेस एक्ट करता है क्योंकि इसको इजी क्या लग रहा है कि साइड वाला एक हाइड्रोजन एच पॉजिटिव की तरह इजीली इसके पास आ सकता है तो ये वही काम करता है कि इंस्टेंट ये न्यूक्लियोफाइल एक्ट करने की जगह अब यहाँ पर ये एज अ बेस एक्ट करेगा और बेस क्या होता है एच पॉजिटिव को एक्सेप्ट करते हैं एच पॉजिटिव लेते हैं तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ से एच पॉजिटिव अब देखो कैसे निकल सकता है जब हाइड्रोजन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को आगे शिफ्ट कर दे और खुद ये क्या खुद ये डेफिशेंट हो गया हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन आगे बॉन्ड बॉन्ड को दे दी ये बॉन्ड आगे को शिफ्ट हो गया और हाइड्रोजन क्या हुआ डेफिशेंट हो गया तो ये एज़ अ बेस इसने क्या बोला कि तू मेरे पास आ जा तो इस तरह से ये रिएक्शन होगी अब देखो अब आपका प्रोडक्ट क्या बन रहा है ये ध्यान से देखने वाली बात है और यहाँ पर साइड बाय साइड क्या होगा कि ब्रोमीन क्या होगा ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है क्योंकि कार्बन चार ही बॉन्ड्स बना सकते हैं टू मेंटेन इट्स टेट्रावेलेंसी तो ये ब्रोमीन भी बाहर को निकल जाएगा एज अ लिविंग ग्रुप बट होगा क्या यहाँ पे यहाँ पे होती है एलिमिनेशन रिएक्शन हमेशा याद रखोगे थ्री डिग्री अल्काइल हलाइट अगर लोगे तो ऐसा नहीं है रिएक्शन तो हो जाएगी बट वो अलग रिएक्शन होगी सब्सटीट्यूशन नहीं होगी वो एक इलिमिनेशन होगी और आपके पास देखो प्रोडक्ट क्या मिलेगा यहाँ पर सी एच थ्री एज इज़ कार्बन इट इज सी एच थ्री एज इज़ यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड क्या आ रहा है सी एच टू क्योंकि हाइड्रोजन इसके साथ निकल रहा है और हाइड्रोजन इसके साथ निकल रहा है तो क्या बनाएगा यहाँ पर सी एच थ्री ओ तो था और इसने हाइड्रोजन एच पॉजिटिव लिया है तो यहाँ पर एल्कोहल साथ में बन गया बट मेन चीज़ क्या है कि आपके पास एल्कीन यहाँ पे बन जाता है एल्कीन बनता है और इलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है आपकी ओके okay, एल्किन बनता है और आपकी ये इलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है ना इन टर्सरी इसका मतलब देखने वाली बात क्या है तभी आपको मना करा जाता है कि थ्री डिग्री बल्कि वाले ग्रुप्स ना लो सिर्फ और सिर्फ बेस्ट रिएक्शन किसके साथ होती है वन डिग्री अल्काइल अल्कालट के साथ ये आप बड़ा छोटा कर सकते हो ये जो आपका आर ग्रुप है न्यूक्लियोफाइल का वो उसको बड़ा छोटा बल्कि कर सकते हो बट यहाँ पर बल्किनेस नहीं होनी चाहिए ये एस रिएक्शन से प्रोसीड करता है ओके okay? नाउ इन टर्शी अल्काइल हेल्ड हमने देखा थ्री डिग्री में एलिमिनेशन कम्पीट्स ओवर सब्सटीट्यूशन मतलब सब्सटीट्यूशन की ये कोशिश तो कर रहा था बट एलिमिनेशन जीत जाती है यहाँ पे एलिमिनेशन होती है और आपको एल्कीन एज अ प्रोडक्ट देखने को मिलता है नॉट ईथर ऊपर क्या मिल रहा था ईथर मिल रहा था बट यहाँ पर आपको एल्कीन देखने को मिलता है बिकॉज यू टू स्टेरिकंड्रेंस इन टर्शी अल्कल हेलाइट ओ सी एच थ्री जो आपका है जो कि आप अभी ऊपर न्यूक्लियोफाइल सोच रहे थे यहाँ पर अब दिस वुड नॉट अटैक एज अ न्यूक्लियोफाइल अब यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट नहीं करेगा अटैक नहीं करेगा क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए आपको यहाँ पे बल्किनेस कम चाहिए होती है तभी तो वो आएगा न्यूक्लियोफाइल सो इट ऑल्सो एक्ट एज अ बेस और आपको पता है ये बेस की तरह भी एक्ट करता है ओ सी एच थ्री नेगेटिव सो यहाँ पर यह एज अ बेस इसको बेटर लग रहा है कि मैं साइड से ही रिएक्शन अपने करवा लूँ और मैं बेस की तरह एक्ट करता हूँ एच पॉजिटिव मुझे मिल जाएगा तो यहाँ से ये इसी वजह से ये एल्कीन के साथ इलिमिनेशन रिएक्शन देता है तो इसीलिए आपको याद करना होगा थ्री डिग्री अल्काइल में एलिमिनेशन रिएक्शन होगी वन डिग्री अल्काइल हेलाइट में आपकी क्या होगी अगर रिएक्शन होती है तो आपकी एस एन टू रिएक्शन होती है और आपको क्या मिलता है आपको इथर्स मिलता है दूसरे केस में आपको एल्किन मिलता है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके आई आई टी जेई या फिर नीट में भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि बताओ क्या प्रोडक्ट मिलेगा सो आपको देखना है कि विलियमसन सिंथेसिस है थ्री डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो आपको एल्किन देखने को मिलेगा नाव अब बात कर लेते हैं कि फिनोल्स जो है मतलब एरोमेटिक ईथर्स भी आपके इस तरह से मिल जाते हैं एरोमेटिक ईथर्स का मतलब क्या हुआ देखो आर एक जगह एरोमेटिक रिंग लगी होगी ओ लगा होगा और दूसरी जगह आर भी हो सकता है डिफरेंट भी हो सकता है मतलब एक जगह आपको एक साइड आपको ईथर में एरोमेटिक जो रिंग है आपकी बेनजीन रिंग फिनाइल रिंग वो देखने को मिलेगी तो ये चीज़ हम फिनोल्स से भी स्टार्ट कर सकते हैं देखो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्या हो रहा है ये रिएक्शन हम विलियमसन सिंथेसिस में आपको चाहिए होता है एक सोडियम और उसके साथ ओ आर बट ये फिनोल से भी रिएक्शन हो सकती है फिनोल से हम क्यों करवा रहे हैं क्योंकि फिनोल से आपको अगर सोडियम फिनोक्साइड आयन बनाना है तो वो ईजी होता है देखो ये फिनोल ले लिया फिनोल की अगर रिएक्शन अगर करवा रहे हो ये कन्वर्जन में भी आ जाती है समटाइम्स अगर ये रिएक्शन अगर आप करवा रहे हो किसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो यहाँ पर रिएक्शन दिस इज़ वेरी पॉपुलर रिएक्शन क्योंकि यहाँ से ओ OH एच निकलता है यहाँ से एच निकलता है यहाँ से आपका वाटर का लॉस हो जाता है और यहाँ पर आपका क्या बनता है ये एन पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो आपका यहाँ पे एक आयन बन जाता है ऑक्सीजन पर नेगेटिव एंड साथ में जो सोडियम था वो भी इस पर जाके जुट जाता है तो दिस इज़ व्हाट दिस इज़ योर, योर सोडियम सोडियम है यहाँ पे दिस इज़ योर सोडियम सोडियम फिनोक्साइड फिनोक्साइड दिस इज़ योर सोडियम फिनॉक्साइड आयन ओके अब देखो अब कुछ आप आपको याद आ रहा होगा विलियमसन सिंथेसिस में भी तो यही होता है एन ए ओ आर की रिएक्शन किसके साथ करवाई जाती है किसके साथ करवाई जाती है एल्काइल हेलाइट के साथ तो अगर हम यहाँ पर एल्काइल हेलाइट ले लें तो हमारी रिएक्शन हो जाएगी तो एल्काइल हेलाइट हमने सपोज आर और एक्स ले लिया तो देखो यहाँ दिस और दिस सोडियम फिनॉक्साइड एंड एल्काइल हलाइट वही रिएक्शन नहीं आएगी यहाँ इसके बाद जो रिएक्शन स्टार्ट होगी वो विलियमसन सिंथेसिस होगी अब हमने फिनोल से क्यों बनाया क्योंकि फिनोल समटाइम्स आपको ये गिवन नहीं होता फिनोल गिवन होता तो आपको पता है फिनोल से सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनाना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और आपको ये रिएक्शन जनरल रिएक्शन है आपको पता होनी चाहिए कैसे बनता है अब देखो यहाँ पर हमने क्या करा था जो एन एक्स होता है वो बाहर को निकल जाता है एन एक्स और यहाँ पर क्या है यहाँ पर इसके साथ आर ग्रुप आपका अटैच हो जाएगा ये वाला आर ग्रुप यहाँ पर अटैच हो जाएगा और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल क्या है न्यूक्लियोफाइल आपका है यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन ओके तो क्या होगा यहाँ पर इसकी रिएक्शन किस तरह से होगी यहाँ पर ऑक्सीजन है एंड यहाँ पर आर है तो आपका क्या बना दिस इज़ योर एरोमेटिक ईथर एरोमेटिक ईथर आपको देखने को मिल गया इसका मतलब विलियमसन सिंथेसिस में एरोमेटिक ईथर भी बनते हैं स्मेट्रिकल बनाओ चाहे अन बनाओ दोनों टाइप के ईथर्स देख देखने को आपको मिलते हैं ओके okay? अगर इसकी सपोज़ एक आपका एक एग्जाम्पल के एग्ज़ैम्पल के साथ अगर आपका दिया जाए तो यहाँ पर क्या है इस तरह से भी एक रिएक्शन हो सकती है कि इसमें अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने डाल दिया तो ऑब्वियसली वाटर का लॉस हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा सोडियम फिनॉक्साइड मतलब सोडियम फिनॉक्साइड आयन अब इसके रिएक्शन अगर आपकी करी जाती है सी एच थ्री बी आर के साथ अल्काइल हेलाइट और हमने क्या करा था विलियमसन सिंथेसिस में अल्काइल हेलाइट शुड बी योर प्राइमरी मतलब लेस बल्कि होना चाहिए तो हमने ये लेस बल्कि ही ले लिया वन डिग्री वन डिग्री वाला यहाँ पर क्या लिया अल्काइल हलाइट अब क्या हो जाएगा इसके रिएक्शन में Na और Br तो बाहर निकल जाएगा एन और उसके बाद क्या होगा सी एच थ्री जाके यहाँ पर लग जाएगा सी एच थ्री यहाँ पर लग जाएगा और यहाँ पर ऑक्सीजन एंड साथ में सी एच थ्री बन गया दिस इज योर अन ईथर और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर बेंजीन के ऊपर ओ और सी एच थ्री होता है दिस इज योर एनीसोल दिस इज योर एनीसोल जो कि इम्पोर्टेंट है आपका ओके okay? तो इस तरह से रिएक्शन होती है और आपको पता है ये रिएक्शन जो होगी ये रिएक्शन एस एन टू मैकेनिज़म से होगी और इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या होगा जो ये वाला एन ए को छोड़ के जो पोर्शन बचता है वो आपका न्यूक्लियोफाइल होगा ओके नाउ इसमें एक एग्जाम्पलर भी है इसके बाद ये कर लेते हैं Uh, आपका एन सी आर टी एग्जाम्पलर है जो कि एग्जाम्पल सेवन पॉइंट सिक्स है देखो ये क्या कहता है द फॉलोइंग इज़ नॉट एन अप्रोप्रिएट रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्शी ब्यूटाइल इथाइल ईथर ये खुद ही कह रहा है ये जो रिएक्शन गिवन है ये एक अप्रोप्रिएट रिएक्शन नहीं है मतलब ये सही रिएक्शन नहीं है इसके फॉर्मेशन के लिए जो कि टर्शी ब्यूटाइल इथाइल ईथर है अब इसमें क्या है वट वुड बी द मेजर प्रोडक्ट फॉर दिस रिएक्शन हम ये कह रहे हैं पहले ही कि ये रिएक्शन फॉल्स है अप्रोप्रिएट नहीं है तो फर्स्ट स्टेप में ये पूछा गया है कि बताओ इसका मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा मतलब ये रिएक्शन करेक्ट नहीं है इसका एक्चुअल में मेजर प्रोडक्ट क्या मिलेगा वो बताओ ऐसा बोला जा रहा है ओके तो देखो सबसे पहले तो ये कर लेते हैं तो यहाँ पर सबसे पहली बात कि ये रिएक्शन पहले पहचानो रिएक्शन क्या है यहाँ पे सोडियम एल्कोक्साइड आयन के साथ एल्काल हेलाइड की रिएक्शन हो रही है तो सबसे पहले ये आपकी विलियमसन सिंथेसिस है और विलियमसन सिंथेसिस की एक बात सबसे इम्पॉर्टेंट होती है एक ही बात इसमें देखो बहुत इंपॉर्टेंट है विलियमसन सिंथेसिस में कि आपका जो अल्काइल हेलाइड होगा दैट शुड बी प्रेफरेबली क्या होगा वो प्राइमरी होना चाहिए तो यहाँ पर क्या है दिस इज़ योर थ्री डिग्री दिस इज़ योर थ्री डिग्री एल्क हेलाइट तो आपकी रिएक्शन में तो गड़बड़ होनी ही थी अगर यहाँ पे वन डिग्री होता तो सिंपल विलियम्सन से रिएक्शन चलनी थी तो अब आप क्या बनाओगे अगर आपने ये वाला प्रोडक्ट बनाया है और आपको पता है दिस इज योर दिस इज़ वर्ट दिस इज योर थ्री डिग्री एल्क हेलाइट तो यहाँ पर क्या होगा आपको पता था अगर थ्री डिग्री एल्का हेलाइट होता है तो उसमें इलिमिनेशन हो जाती जो हमने स्पेशल केस करा था तभी मैं कहती हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो अब देखो अब क्या होगा इस रिएक्शन में कि आपका सी टू एच फाइव ओ नेगेटिव मैं बना देती हूँ जो एक्चुअल में असली रिएक्शन होगी ठीक से उसमें क्या होगा यहाँ पर सी एच थ्री है कार्बन एंड सी एच थ्री एंड सी एल है यहाँ पर फिर यहाँ पर क्या होगा हमने करा है अगर तो यहाँ पर वन डिग्री अल्काइल हैलाइड होता है फिर तो जनरल विलियमसन सिंथेसिस होती है इथर बनता है जैसे यहाँ ईथर बना है बट अगर थ्री डिग्री अल्काइल हेल्ड हो तो यहाँ पे ईथर नहीं बनता तभी ये रिएक्शन रॉन्ग है बिकॉज यहाँ पे एलिमिनेशन होती है और अल्किन बनता है अब इलेमिनेशन कैसे होगी यहाँ पर मैंने सी एच टू एंड यहाँ पर एक हाइड्रोजन खोल के लिख लिया अब यहाँ पे इसकी रिएक्शन कैसे होगी कि ये जो हमने क्या करा था कि ये जो आपका हम पहले इसको न्यूक्लियोफाइल बोलते थे बट यहाँ पर क्या है जब ये थ्री डिग्री अल्काइल हल्ड है थ्री डिग्री इसकी पहचान यही है थ्री डिग्री अगर अल्क हेलाइट आपको कभी भी किसी ने दे दिया तो आपको पता है आपकी एलिमिनेशन से अल्किन बननी है डन तो क्या होगा इसका मतलब जो ये पार्ट है ये ओ आर वाला पार्ट है ये ऐसे केस में क्या एक्ट करता है बेस एक्ट करता है मैंने करवाया था ओके okay? और बेस क्या करेगा हाइड्रोजन को ले लेगा तो ये वाला जो बाहर का हाइड्रोजन है यहाँ से भी ले सकते थे आप यहाँ से भी ले सकते थे सेम रिजल्ट आपके पास आएगा तो क्या होगा यहाँ पर ये यह अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा और हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ के आपका एक काउंटर आयन सी टू एच फाइव काउंटर जो आपका बाय प्रोडक्ट है वो बन जाएगा ओ OH, एच और यहाँ पर क्या लगेगा जो मेन प्रोडक्ट है आपका सी एच थ्री सी ये एज एट एस चीज़ है और यहाँ से क्लोरीन निकल जाएगा बिकॉज यहाँ पे बॉन्ड आ रहा है कार्बन के ओनली फोर बॉन्ड्स होते हैं इसीलिए इसको निकलना पड़ा इलिमिनेशन इसकी आ, ये क्या है ये रिमूव हो जाएगा लिविंग ग्रुप क्योंकि ये क्या होते हैं जो हलोजन्स होते हैं दीज आर द वेरी गुड लिविंग ग्रुप अब सी एंड सी के बीच में डबल बॉन्ड आ गया और आपका यहाँ सी एच टू आ गया ना दिस इज़ योर मेजर प्रोडक्ट जो आप कह रहे हो कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट ओके ये मेजर प्रोडक्ट और करेक्ट प्रोडक्ट होगा और ऊपर वाला नहीं होगा इसका मतलब आपको क्या देखने को मिल रहा है आपको यहाँ पर एल्कीन देखने को मिल रहा है और वैसा भी हमने करा था क्यों बिकॉज ऑफ द थ्री डिग्री अल्काललाइट तो देखो ये इससे क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं ना सेकेंड में क्या होता है राइट अ सुटेबल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्शी ब्यूटाइल इथाइल इथर कि मतलब ये बोल रहे हैं जो मतलब ये आ, ये था टर्शी ब्यूटाइल इथाइल इथर अगर ये इस रिएक्शन से नहीं बनता है तो हमें वो रिएक्शन भी बताओ जिससे ये इजीली बन सकता है तो देखो हम लिखते हैं सबसे पहले कि यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमने बनाना क्या है देखो ईथर है ईथर है इसका मतलब ऑक्सीजन तो बीच में होगा और दूसरी जगह क्या है एक जगह इथाइल है मतलब सी टू एच फाइव लगा दो दूसरी जगह क्या है टर्शी ब्यूटाइल देखो अब टर्शी ब्यूटाइल क्या होता है मतलब ये कार्बन थ्री और कार्बन से अटैच्ड होगा तो ये क्या है दिस इज यू ब्यूटाइल क्योंकि वन टू थ्री फोर है तो वो ब्यूटाइल हो गया तो टर्शी का मतलब क्या हुआ कि इस ये जो कार्बन है वो थ्री डिग्री है थ्री कार्बन के साथ अटैच्ड है दिस इज योर टर्शी ब्यूटाइल ब्यूटाइल और साथ में इथाइल इथाइल ईथर, ओके दिस इज यो टर्शी ब्यूटाइल इथाइल ईथर अब इसमें क्या होगा इसे कैसे बनाना है हम ये ये पूछ रहे हैं तो सबसे पहले तो ये देखो ये क्या है आपका अनसिमेट्रिकल ईथर है और ईथर की बहुत कॉमन जो है देखो ईथर में प्रिपरेशन के दो मेथड है आपका डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है और ये है तो सबसे जो इजी है आपका वो विलियमसन सिंथेसिस ही होती है जब भी आपको ईथर बनाना है तो विलियमसन सिंथेसिस को याद करो उसमें क्या होता था एक सोडियम एन होता था एक आर होता था अब क्या है हमने यहाँ पे फिक्स करा हुआ है हमें पता है जो आपका एक आपका यहाँ पे अल्काइल हेलाइड लगना है ओके विलियमसन सिंथेसिस में यहाँ पे अल्काइल हेलाइड होता है और यहाँ पे क्या होता है सोडियम सोडियम एल्कोक्साइड आयन एल्कोक्साइड ओके ये होता है अब हम यहाँ पर बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस में अगर आपको ईथर बनाना है दिस इज ईथर अगर ईथर बनाना है दिस शुड बी प्राइमरी दिस शुड बी वन डिग्री तो इसका मतलब आपको अल्काइल हेल्ड ऐसी चूज करनी पड़ेगी जो कि प्राइमरी हो अब देखो आर ग्रुप्स क्या है दो आपके आर ग्रुप्स आपके पास ऑप्शन में हैं अब आप एल्क हेल्ड इसका वाला बनाओगे या इसका वाला बनाओगे मुझे बताओ कौन सा एल्काइल हल्इड आपको चूज़ करना चाहिए इसके साथ आपका हलोजन लगा होना चाहिए या इसके साथ हलोजन लगना चाहिए आप इसके साथ हलोजन लगाओगे क्योंकि आपको सी टू एच फाइव के साथ अगर आपने हलोजन लगाया सपोज ब्रोमीन तो ये क्या है दिस इज़ योर प्राइमरी एल्काइल हेल्ड और हमें प्राइमरी ही चाहिए होता है अगर आपने इस वाले पार्ट को लेकर एल्काइल हल्ड बनाया होता इसके साथ ब्रोमीन लगाया होता तो ये थ्री डिग्री एल्काइल अल्कड बनना था रिएक्शन फिर से एल्कीन की तरफ जानी थी तो हमने अगर ईथर बनाना है तो हमारा सबसे पहला काम मैं बार बार बोल रही हूँ योर एल्काइल हलाइट शुड बी प्राइमरी हमने प्राइमरी रख दिया तो सोडियम एल्कोक्साइड अब कौन सा लोगे सोडियम एल्कोक्साइड आयन होता है एन ए ओ आर अब आर कौन सा है आर दूसरा ये वाला पड़ा है हमारे पास तो आर हम ये ले सकते हैं क्योंकि इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होती है जो ये वाला है इसमें कोई भी कितना भी नेस हो सकती है बट यहाँ नेस नहीं होनी चाहिए तो अगर ऐसा ऐसा बल्कि बनाना ही है तो आप जो बिल्कुल आपका प्राइमरी वाला पार्ट होगा बिल्कुल आपका सिंपल वाला पार्ट होगा अल्काइल वाला वो आपका अल्काइल हा बनाएगा और जो आपका ये बल्कि वाला पार्ट होगा वो इसमें आ जाएगा तो अब मुझे बताओ जब आपका प्राइमरी यहाँ पर होता है और इसके साथ रिएक्शन होती है तो ये रिएक्शन में ये वाला जो पार्ट है जो ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव है अब ये बेस एक्ट करेगा या न्यूक्लियोफाइल अब ये न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा क्योंकि यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर इसके लिए जाने के लिए मतलब अटैक करने के लिए काफ़ी जगह है तो यहाँ से ब्रोमीन निकल जाएगा और इस कार्बन पे ये यहाँ पे आके लग जाएगा और यही यही इसके बाद रिजल्ट बनेगा कि यहाँ पर एन ए बी आर निकल गया एन ए बी आर निकल गया और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में जुड़ गया तो आपके पास ये आ गया इसका मतलब हमने इसको इस इस तरह से रिएक्शन करनी है दोबारा से मैं बता देती हूँ देखो जो ईथर की प्रिपरेशन है उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका है जो आपका पार्ट है वो क्या है आपका कि योर अल्काइल हिलाइट शुड बी प्राइमरी प्राइमरी के साथ ये बहुत अच्छी रिएक्शन देता है अब आपको आप देख लो जो आपको इथिर बनाना है उसमें जो प्राइमरी वाला पार्ट है वो तो इसके साथ दे दो और बाकी बचा हुआ पार्ट एन ए आर संभाल लेगा अगर ऐसा नहीं होता है अगर आपका थ्री डिग्री होता है टर्सरी होता है तो उस केस में गड़बड़ हो जाएगी उस केस में आपको इलिमिनेशन देखने को मिलेगी और यहाँ पर क्या है यहाँ पर रिएक्शन एस एन टू से हो रही है सब्सटीट्यूशन हो रही है यानी कि न्यूक्लियोफाइल जो है न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है यहाँ पे शन हो रही है तो इसका मतलब यहाँ पे ये ये क्या एक्ट कर रहा है एज अ बेस एक्ट कर रहा है और एलिमिनेशन रिएक्शन आपकी यहाँ पर हो रही है ओके okay? हम यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे रिएक्शन क्या है एलिमिनेशन यहाँ पे एलिमिनेशन है क्योंकि थ्री डिग्री अल्का हेलाइट आया है और यहाँ पे रिएक्शन कौन सी है यहाँ पे आपकी एस एन टू रिएक्शन है क्योंकि आपका प्राइमरी अल्कल हेलाइट देखने को आपको मिल रहा है सो होपफुली ये क्लियर हो गया होगा थैंक यू सो मच